हेलो एंड नमस्कार, मैं वैशाली गोगी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी आप सभी के लिए सच में एक परेशानी का सबब बनी है पिछले इस एक साल में। इस दौरान ना सिर्फ हमारी डेली रूटीन खराब हुई है बल्कि जिंदगी में अलग तरीके का परिवर्तन भी आया है। लेकिन धीरे धीरे हमारी लाइफ है वो रेगुलर होती जा रही है, लेकिन साथ ही साथ ये वायरस एक बार फिर से परेशानियां खड़ी करने की तैयारी में आ चुका है, क्योंकि लगातार ये वायरस म्यूटेट करता हुआ जा रहा है। अब ऐसे में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है इस वायरस को मात देने के लिए और लगातार इसके अच्छे रिजल्ट भी सामने आ रहे हैं। इसके अलावा कभी कभार कुछ ऐसी खबरें सामने आ जाती हैं कि टेंशन बढ़ जाती है और थोड़ा सा शक भी होने लगता है कि क्या हमारी लाइफ इसी तरीके से बनी रहेगी या फिर इसमें वापस से पुराने वाले परिवर्तन भी होंगे। इसी के साथ ही नए वेरियंट को हराने के लिए वैज्ञानिक लगातार दूसरे तरीके से प्रयोग किए जा रहे हैं, नई वैक्सीन बनाने के प्रयोग करे जा रहे हैं। इसी के साथ ही देश और दुनिया से लगातार कोरोना वायरस और उसके वैक्सीनेशन से जुड़ी बहुत सारी खबरें सामने आ रही हैं, जो कभी हमें टेंशन दे देती हैं तो कभी उन खबरों को सुनने के बाद हमें राहत की सांस मिलती है। लेकिन इतनी सारी खबरों में हम आपको सिर्फ बताने वाले हैं पांच महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए दोस्तों, एक नजर डाल लेते हैं आज की टॉप 5 खबरों पर। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे हमारे देश में कोरोना केसेस पर। भारत में पिछले 24 घंटे में सामने आए 11,713 मरीज, 95 लोगों की मौत। तो वहीं पिछले 24 घंटे में 14,488 मरीजों ने इस वायरस को मात देकर अपने घर वापसी की है। तो इससे रिकवर्ड पेशेंट्स की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है और 1 करोड़ से ज्यादा लोग इस वायरस को मात दे चुके हैं। तो वहीं भारत में हाल फिलहाल में 2 लाख से भी कम मरीज इस वक्त इस वायरस का इलाज करवा रहे हैं। दूसरी अपडेट, बिना कोरोना वैक्सीन बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे अभिभावक। खबर है मुरादाबाद की। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस को हराने के लिए 16 जनवरी से हमारे देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो साथ ही में लगातार स्कूल कॉलेजेस भी खुलते जा रहे हैं और चरणबद्ध तरीके से स्कूल और कॉलेजेस को खोला जा रहा है। लेकिन अभी भी कुछ माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए चिंता में आ गए हैं। अब ऐसे में 10 फरवरी से बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं। अब ऐसे सिचुएशन में बच्चों के माता पिता काफी टेंशन में आ गए हैं। उनका कहना है कि जब वैक्सीन के बिना ही स्कूल खोलने थे तो फिर स्कूल बंद ही क्यों किए, क्योंकि उस वक्त भी वैक्सीन नहीं थी और ये वायरस उस वक्त भी लोगों को अपनी चपेट में ले रहा था और आज भी ये सबको अपनी आगोश में लिए जा रहा है। तो बिना वैक्सीन हम तो हमारे बच्चों को विद्यालयों में भेजने वाले हैं नहीं, क्योंकि सुरक्षा का अगर आप लोगों को ख्याल है और आप अपने हिसाब से प्रतिबंध लगाते हैं, रोक लगा देते हैं, तो ये बच्चे हमारे हैं और हमारे बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। और जब तक आप बच्चों के लिए वैक्सीन मुहैया नहीं कराते हैं, हम तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। दरअसल ये बात तो हर कोई जानता है कि बच्चों की इम्यूनिटी खास नहीं होती है और इसी वजह से बच्चों के माता पिता थोड़ी टेंशन में है, क्योंकि पहले ही सरकार क्लियर कर चुकी थी कि वृद्ध लोग और बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को कोरोना वायरस से जितना ज्यादा हो उतना सेफ और सिक्योर रखने की जरूरत है। और इन्हीं सब बातों को लेकर माता पिता परेशान है कि बिना वैक्सीन के वो तो अपने बच्चों को विद्यालय भेजने वाले हैं नहीं। अब सरकार का इस पर क्या रुख होगा वो तो आने वाले वक्त में जल्द ही पता लग जाएगा। लेकिन आपका इस पर जो भी विचार हो हमें नीचे कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। तीसरी अपडेट, भारत सबसे तेजी से 50 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का एकमात्र देश है। तो वहीं अमेरिका ने इस आंकड़े को छूने में लगा दिए थे 24 दिन, ब्रिटेन में 43 दिन और इजराइल में 45 दिनों में इस कार्य को पूरा किया गया। भारत में 16 जनवरी को कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई और इस दौरान भारत में निर्मित 2 वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया, सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा निर्मित कोविशील्ड और भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन, और इन दोनों ही वैक्सीन को सेम प्रायोरिटी दी जा रही है। और इसी के साथ ही लगातार भारत के हर एक राज्य में केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और लगातार स्वास्थ्य कर्मियों, हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। चौथी अपडेट, बुजुर्गों के लिए खुशखबरी, अगले महीने से लगेगा उन्हें भी कोरोना का टीका। देश में 50 या उससे ज्यादा उम्र के लोगों के लिए खुशखबरी सामने आ रही है, क्योंकि बहुत जल्द ही यानी कि अगले महीने के किसी भी हफ्ते से उनको टीकाकरण देना शुरू कर दिया जाएगा। ये बात कही है देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। उन्होंने कहा है कि फिलहाल देश में पहले और दूसरे चरण का टीकाकरण शुरू है, जहां पर डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जा रहा है
और अभी तक 50 लाख लोगों को ये टीका दिया जा चुका है और जल्द ही अगले महीने के किसी भी हफ्ते में बुजुर्ग जो कि 50 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं उनके साथ तीसरे चरण का टीकाकरण का अभियान शुरू हो जाएगा। लोकसभा में उठे एक सवाल के जवाब में हर्षवर्धन ने कहा कि अभी फिलहाल हमारे देश में 7 टीकों पर कार्य चल रहा है, तो वहीं फिलहाल 3 टीके ऐसे हैं जो कि तीसरे फेज के ट्रायल में हैं, तो साथ ही में 2 टीकों का इमरजेंसी इस्तेमाल किया जा रहा है भारत में टीकाकरण के लिए। सरकार ने रद्द किया फाइजर के कोरोना टीके के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी। अमेरिकी कंपनी फाइजर ने भारत में अपने टीके के इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए अनुमति के लिए आवेदन डाला था, लेकिन कुछ सिचुएशन इस तरीके से बनी कि उनके आवेदन को स्वीकृति नहीं दी और अब उन्होंने अपना ये जो आवेदन है वो वापस ले लिया। वैसे आपको बता दें कि फाइजर भारत में ये आवेदन डालने वाली पहली कंपनी थी, लेकिन फिर भी फाइजर के आवेदन को वापस लेने के मुद्दे पर मंत्रालय की ओर से ये कहा गया है कि फाइजर ने इस आवेदन को वापस नहीं लिया है, बल्कि मंत्रालय की ओर से उनके इस आवेदन को रद्द कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस टीके के उपयोग के लिए उन्होंने जो अनुमति मांगी थी उसके लिए हमने कहा था कि आप टीके से रिलेटेड डेटा को हमारे सामने पेश कीजिए, लेकिन उन्होंने सारे दस्तावेज जमा नहीं करवाए और अधूरे दस्तावेजों के साथ हम ये बात बिल्कुल भी नहीं मान सकते हैं कि ये टीका भारत के लोगों के स्वास्थ्य के लिए ठीक होगा और इसका कोई बुरा असर नहीं होगा, और ऐसे में डेटा के अभाव में हम किसी भी वैक्सीन को इस्तेमाल की मंजूरी नहीं दे सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की टॉप 5 खबरें, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी और आपके लिए इसी तरीके से हर रोज हर बार हर रात 8 बजे कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीनेशन से जुड़ी 5 खबरें लेकर आती रहूंगी। आप बस चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।